अब हम पढ़ेंगे एलियनेशन के बारे में। सी, जो एलियनेशन का कंसेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने हेगल से इन्फ्लुएंस होके और हेगल से इंस्पायर होके सोशियोलॉजी की फील्ड में अडोप्ट किया था, राइट। सो एलियनेशन एज ए कंसेप्ट वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, राइट। तो उसमें जो हेगल है उनका क्या कंसेप्ट है एलियनेशन का, उसको जाने बिना विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट जो उसकी रूट है एलियनेशन का। एलियनेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से है, उसके रूट्स कहाँ से हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो जनरली सोशियोलॉजी में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स और इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे डू नॉट गो इनटू द फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ एलियनेशन, राइट। तो उसका जो बेसिक है वो मिस हो जाता है एलियनेशन का। तो हमारा जो ये जो लेक्चर होगा एलियनेशन का, इट विल बी इन अ टू पार्ट सीरीज, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो इन टूडेज पार्ट एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग, फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट हेगल एंड मार्क्स कंसेप्शन ऑफ एलियनेशन, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ लेबर, राइट, लेबर और ह्यूमन नेचर में क्या लिंक है, बिकॉज जो ह्यूमन नेचर और लेबर में जो लिंक है जब वो टूटेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म, तभी एलियनेशन क्या है बढ़ेगा सोसाइटी में, तभी एलियनेशन बढ़ेगा वर्कर्स में, राइट। तो हमारा जो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि लेबर क्या है, उसका ट्रू नेचर क्या होता है, लेबर किस टाइप का होना चाहिए, राइट, जो मार्क्स ने जिसका कंसेप्शन दिया था, और लेबर कैसे डिस्टॉर्ट हो गया है, और ये जो लिंक है मैन और लेबर के बीच में ये टूट चुका है इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, राइट। ये डिसोसिएशन हो गया है द लिंक बिटवीन मैन एंड लेबर, और ओनली थ्रू लेबर मैन क्या है अपने आप को क्या है फुलफिल करता है, मीनिंगफुल लेबर के थ्रू ही मैन अपने आप को डिफाइन करता है। तो जब जैसे ये लिंक टूटता है तो एलियनेशन होता है, और इसको बोलते हैं हम एलियनेटेड लेबर। ये जो फिर हम देखेंगे कि जो थर्ड पार्ट है उसमें, दैट इज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलियनेशन किस किस चीज से हुआ है, तो उसमें पढ़ेंगे एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट हैज बिकम कमोडिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स, और एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, एलियनेशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, राइट। सो इस मैनर में हम एलियनेशन के टॉपिक को डील करेंगे और इसको ऐसे कवर करेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद व्हाट इज एलियनेशन। सी, एलियनेशन वर्ड कहां से आया है? सी, इसमें एलियनेशन वर्ड आया एलियन से, राइट, एलियन। तो व्हाट इज एलियन, एलियन आप उसको कंसीव करो, एलियन क्या हो सकता है? आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, राइट, दो जादू, दैट इज एन एलियन, राइट। अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी है एलियन, राइट, सो दैट क्रिएचर इज एन एलियन, राइट। सो एलियन इज समथिंग विच इज सेपरेट फ्रॉम अस, विच इज एक्सटर्नल टू अस, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अस, राइट, जो हमसे सेपरेट हो, जो एक्सटर्नल हो, जो डिफरेंट हो, जो इंडिपेंडेंट हो, वो एलियन है, राइट। और ये जो एलियन है, इट माइट बी डेंजरस टू अस और इट माइट नॉट बी डेंजरस टू अस, राइट, दैट डिपेंड्स। हम एलियन को ऐसे कंसीव करते हैं, ठीक। तो अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा हो उसमें आप पढ़ोगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, राइट। तो जो स्पीसीज हैं, जो एग्जॉटिक स्पीसीज होती हैं, जो उस इकोसिस्टम से बिलोंग नहीं करती, राइट, विच आर सेपरेट एंड एक्सटर्नल टू दैट इकोसिस्टम, जो दूसरे आपका बायोम से बिलोंग करती है, अगर आप दूसरे इकोसिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो अंडर सर्टेन कंडीशंस दीज एलियन स्पीसीज विल बिकम इन्वेजिव इन नेचर, राइट। वो प्रोलीफरेट करती हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं उस इकोसिस्टम के खा जाती हैं, और दैट इज इन टर्न डेट्रीमेंटल टू द ओरिजिनल स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, इसलिए हम बोलते हैं कि वो इन्वेजिव हो गई हैं, राइट। ऐसी अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो, एलियन आता है आपका, आपने वर्ड सुना होगा एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन, राइट। सो दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री, राइट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर एक्सटर्नल टू अवर कंट्री, टू अवर नेशन स्टेट, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अवर नेशन स्टेट, राइट। सो दोज कुड बी एनिमी एलियंस, दोज कुड बी फ्रेंडली एलियंस। फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमी एलियंस अगर कोई भी इंडिविजुअल
इंडिया में पाया जाता है विदाउट ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू वीज़ा, और इफ ही और शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, तो फर्स्ट क्या जाता है कि शी और ही माइट बी अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कंसीव एलियन, राइट? तो एलियन, एलियनेशन का वर्ड ही यहीं से आया है, राइट? इस एलियन वर्ड से. सो एलियन, एलियनेशन क्या है? एलियनेशन मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स इज, और मार्क्स ने सबसे पहले जो बुक और जो वर्क्स थे उनके, वो थे आपके इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट? उन्होंने वेरियस नोट्स लिखे थे, एसेज लिखे थे, और इनका कंपाइलेशन आप करोगे देन यू विल गेट हिज वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स. और ये इन्होंने लिखा था इन द ईयर्स 1843 एंड 1844, राइट? सी, जब मार्क्स इस पीरियड में लिख रहे हैं, राइट, तो ये जो मार्क्स का है, ये मार्क्स का क्या है, बिगिनिंग फेज है मार्क्स का, राइट? यहां पे हम मार्क्स क्या आप देखेंगे, ये जो है यहां पे जो यंग मार्क्स है, बिगिनिंग और नेसेंट फेज ऑफ हिज राइटिंग्स, राइट? तो ये जो यंग मार्क्स है यहां पे, यहां पे आप देखोगे इनिशियली मार्क्स वॉज वेरी फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, राइट? उनके वर्क्स में क्या है, फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल टच देखने को मिलता है. सी, जो कार्ल मार्क्स थे वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते थे, राइट? उनके वर्क्स स्पैन अक्रॉस करते हैं फ्रॉम फिलोसफी टू इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी, राइट? तो उनका जो वर्क्स है, सी, नॉलेज हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या है, क्लासिफाई की है और कंपार्टमेंटलाइज करी की है इन वेरियस डिसिप्लिन्स, राइट? बट ऑल दिस डिसिप्लिन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो आपके जो वर्क्स है, जो कार्ल मार्क्स का जो वर्क्स है, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स की छाप देखने को मिलती है. और जो यंग मार्क्स थे, जो अर्ली मार्क्स थे, जो उनका बिगिनिंग फेज था राइटिंग्स में, राइटिंग्स का, इस टाइम के दौरान जब इन्होंने इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनके जो वर्क कंपाइल हुए थे, राइट, यहां पे ही वॉज मोर फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल इन नेचर, राइट? अगर आप देखोगे ये क्लासिफिकेशन किया जाता, और जो ओल्ड मार्क्स थे और लेटर मार्क्स थे, और जिनको मच्योर मार्क्स भी बोला जाता है, यहां पे आप देखोगे जो कार्ल मार्क्स के जो वर्क्स हैं, यहां पे ज्यादा हम देखेंगे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, राइट, ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा पॉजिटिविस्टिक है, राइट? कार्ल मार्क्स वाज अ पॉजिटिविस्ट, अ मटीरियलिस्ट, हमने पढ़ा था, ही वाज अ मटीरियलिस्ट, ही वाज अ पॉजिटिविस्ट, और ज्यादा टेक्निकल वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं. और ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कार्ल मार्क्स की लेटर राइटिंग्स में. फॉर एग्जांपल, जो उनकी जो मेन बुक थी, आप उसको बोलते हैं दास कैपिटल, या उसको कैपिटल बोला जाता है उस बुक को, राइट, कैपिटल, जहां पे उन्होंने अपनी मेन थ्योरी दी थी और क्रिटिसाइज किया था कैपिटलिज्म को, दैट कैपिटलिज्म शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम बाय कम्युनिज्म, राइट? आई थिंक आप इसको चेक करना, शायद दिस बुक वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स इन 1850s, राइट, मोस्ट प्रोबेबली इन 1859. तो ये जो यंगर मार्क्स है ना, ये कंसेप्ट देते हैं एलियनेशन का. और इसमें क्या इंप्लाई करते हैं, व्हाट इज एलियनेशन अकॉर्डिंग टू यंगर मार्क्स? सी, फ्रॉम दिस वर्ड एलियनेशन, इट मींस, कार्ल मार्क्स इंप्लाइज दैट एलियनेशन इज समथिंग विच इज एक्सटर्नलाइजेशन, राइट? एलियनेशन इंप्लाइज एक्सटर्नलाइजेशन. हम इसको पढ़ेंगे कि किस चीज का एक्सटर्नलाइजेशन हो रहा है, किस चीज का, राइट? इट इंप्लाइज सेपरेशन और
सेग्रीगेशन, राइट। लेकिन ये किस चीज का सेग्रीगेशन हो रहा है, राइट? सेग्रीगेशन और इंटरनल और एक्सटर्नलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ व्हाट, राइट? किस चीज का, किस चीज से सेपरेशन और एक्सटर्नलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से एलियनेशन हो रहा है, राइट? तो यहां पे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस एक्सटर्नलाइजेशन, सेपरेशन और सेग्रीगेशन क्या है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि व्हेन मैन इज एलियनेटेड, राइट, एलियनेटेड और इस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज ट्रू सेल्फ और मैन का ट्रू सेल्फ क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे, राइट? जब हम लेबर का के साथ लिंक दिखाएंगे कि मैन का जो नेचर है और जो लेबर है, राइट, विच डिफाइन्स इज ट्रू सेल्फ, उसमें हम कंसेप्ट देंगे स्पीसीज बींग का, राइट, स्पीसीज बींग का कंसेप्ट देंगे। तो दैट व्हेन लेबर इज एक्सटर्नलाइज्ड, सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ट्रू नेचर ऑफ मैन, द ट्रू सेल्फ ऑफ मैन, दैट लीड्स टू एलियनेशन, राइट। तो एलियनेशन क्या है, व्हेन समथिंग, राइट, व्हेन समथिंग व्हिच इज वेरी इंट्रिंसिक, राइट, जो ह्यूमन जो सेल्फ है, ह्यूमन नेचर है, राइट, उससे काफी, व्हेन समथिंग व्हिच इज वेरी इंट्रिंसिक और इंटीग्रल एंड इनहेरेंट टू ह्यूमन right when something which is very intrinsic, very integral or very inherent to human, right, hume belong karta hai, which defines us, right, jisse hamara nature pata chalta hai, which is a very core or integral part of humans, right, that is his labor, right। लेबर के साथ साथ लेबर आप दूर करोगे, लेबर को हटा दोगे मैन से, राइट, उसको एक्सटर्नलाइज और सेपरेट कर दोगे मैन से, राइट, कैसे सेपरेट होगा, राइट, ऑल दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू दिस, वी आर जस्ट बिगिनिंग विद इट, राइट। When something which is very intrinsic, integral or inherent to human, right? अगर आप इसको separate कर दोगे human से, right? और externalize कर दोगे human से, right? That leads to alienation, right? तो something which was a part of human self, which was a part of human personality, right? तो विच मेड मैन कंप्लीट, राइट, जिससे मैन कंप्लीट हो रहा था, जिससे मैन क्या था, होलसम था, राइट, होलसम था। और इसको आप बोल सकते हैं जो मैन की टोटैलिटी थी, राइट, मैन की जो टोटैलिटी थी, विच मेड मैन अ टोटल मैन, विच मेड मैन अ टोटल मैन, राइट, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग, राइट, व्हाट पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग, विल बी टेकिंग अ लुक इन टू इट, कि क्या आपसे क्या एक्सटर्नलाइज किया गया है, राइट, क्या, व्हाट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मैन, व्हाट इज बीइंग स्नैच्ड अवे फ्रॉम मैन, एंड दैट इज लीडिंग टू, राइट, व्हेन समथिंग व्हिच इज वेरी इंट्रिंसिक, इंटीग्रल, इनहेरेंट टू ह्यूमन, राइट, व्हेन इट इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मैन, व्हेन इट इज बीइंग एक्सटर्नलाइज फ्रॉम मैन, राइट, व्हेन इट इज बीइंग स्नैच्ड अवे और डिटैच्ड फ्रॉम मैन, snatched away, detached or dissociated from man, or dissociated from man, right, जो उसकी जो personality या उसकी self है, right, उसको complete कर रहा था, right, उसी के साथ वो एक wholesome personality, एक wholesome self, और which defines
which made the man total, which made the man complete, right? Which made him wholesome, right? That is something which is being taken away. और इसी की वजह से क्या है, man is not in harmony with himself anymore. Man is not in harmony, right? Because you are not anymore complete, right? You are not anymore wholesome. You are not anymore total. तो आप harmony में नहीं होंगे अपने साथ, right? Man is not in harmony anymore. राइट और ये जो फीलिंग है, सी ये जो इसको बोलते हैं व्हेन मैन, इसको एलिनेशन की वजह से क्या रहा है, इस स्ट्रेंजमेंट, राइट, मैन अपने आप से स्ट्रेंज होता जा रहा है, राइट, मैन इज बीइंग स्ट्रेंज फ्रॉम हिमसेल्फ, समथिंग विच वाज वेरी इंट्रिंसिक, इंटीग्रल और कोर इनहेरेंट टू ह्यूमन, व्हेन इट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम, राइट, देन मैन विल नॉट बी मैन एनीमोर, राइट. जो सेल्फ है वही लॉस्ट हो जाएगी, उसकी हार्मनी चली जाएगी, राइट. सो मैन विल बी एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिमसेल्फ, राइट. और जब मैन अपने आप से हिमसेल्फ एस्ट्रेंज हो जाएगा, देन मैन विल बी एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम सोसाइटी एज वेल, बिकॉज उसी के थ्रू मैन क्या है, सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो रहा था, मैन नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा था, मैन एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा था, राइट. तो एलिनेशन बिल्कुल टोटल होगा, राइट. तो जब मैन हार्मनी में नहीं होगा, तो इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ, यू कुड से, डिस्पेयर, राइट, डिसइंचेंटमेंट, राइट, इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सी आप सारे लेक्चरों कनेक्ट करोगे, राइट, ये तभी आपको समझ में आएगा जब मैन विल बी टॉक, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लेबर जस्ट राइट आफ्टर दिस, राइट, व्हेन देयर इज डिस्पेयर, डिसइंचेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, राइट. It will create frustration, this alienation, this estrangement. It will create a feeling of despair, disenchantment, frustration, or discontent, discontentment within men. Right? Because man is not complete anymore. Man is not wholesome anymore. Something which was very intrinsic or core part of his self, that is being taken away from him. And man, thereby man is estranged or alienated from himself. Because अब हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है. सी मैन क्या था, टोटैलिटी थी मैन के पास, राइट, टोटल था, राइट, समथिंग विच मेड मैन टोटल और कंप्लीट, राइट, दिस इज टोटैलिटी. अगर यहां से आप कुछ निकाल दोगे, राइट, समथिंग, एक पार्ट, व्हेन A part of man is snatched from him, right? When a part of self, right, is snatched, separated, or dissociated or detached from man, right? So, this becomes something which is external to man, right? This becomes external to man. This become, now this was something which was an integral part of man. Now this is something which is becoming external, right? It is becoming separate, or it is becoming independent. और जब ये ऐसा हो रहा है, तो मैन इज नॉट कंप्लीट और होलसम एनीमोर, ही इज नॉट इन टोटैलिटी, और तो उसकी जो इंटरनल हार्मनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती. इस और इस इस्ट्रेंजमेंट, ये जो इस्ट्रेंजमेंट हो रहा है मैन फ्रॉम सेल्फ, राइट, इट इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, डिसइंचेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंटमेंट, राइट. फिलोसफी में इसको बोलते हैं, दिस इज द सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट from the object. Something which was internal to man has become an object to him, right? It has become external to him. हम देखेंगे subject और object क्या होता है, लेकिन first I want to talk about Hegel, right? हमने देखा कि Marx, Karl Marx was influenced by Hegel, right? हेगल ने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले, क्या है, एलियनेशन का, राइट, right?
ठीक है, जो एलिनेशन का कंसेप्ट दिया था हेगल ने, वो था फिलोसॉफिकल, राइट, इट वॉज फिलोसॉफिकल इन नेचर। अगर आप देख रहे हो गए तो ये जो मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपका फिलोसॉफिकल है कंसेप्ट, राइट। इसको हम सोशियोलॉजिकल बनाएंगे जब हम कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि सोसाइटी में एक्चुअल में एलिनेशन कैसे और किस मैनर में अनफोल्ड हो रहा है, राइट। ठीक, तो मार्क्स ने हेगल से कंसेप्ट हुआ, और हेगल ने जो एलिनेशन कंसेप्ट दिया था वो था फिलोसॉफिकल। ठीक, तो मार्क्स हम बोल सकते हैं, मार्क्स ही टुक एलिनेशन आउट ऑफ रियल्म ऑफ फिलोसफी, राइट, और इसको इन्होंने एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट, और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ एलिनेशन को क्या है, एक्सप्लेन किया, राइट। और मार्क्स बोलते हैं कि एलिनेशन इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्टिव फीलिंग, राइट, एक फिलोसॉफिकल और एक सब्जेक्टिव, और खाली एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट फील नहीं करता एलिनेशन, राइट, इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्टिव फीलिंग, राइट, रादर इट इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, राइट, ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये ट्रू एक्सपीरियंस है जो रियलिटी में एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहा है, राइट, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, राइट। तो आपका जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट और एक इंडिविजुअल उसको फील नहीं कर रहा, और ये खाली एक आपका माइंड, यहां पे हम देखेंगे हेगल जब बात करते हैं एलिनेशन की तो बोलते हैं कि जो आपकी गाइस्ट है, राइट, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा आई एडवाइज यू विल बी ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इफ यू हैव सो दैट लेक्चर ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, राइट, वेयर इन आई टॉक्ड अबाउट गाइस्ट कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट, राइट। तो जो गाइस्ट है, राइट, और जो कॉन्शियसनेस है, ठीक, और हम बोल सकते हैं कि जो स्पिरिट है, इट, ये जो होती है ये एलिनेशन फील करती है, राइट। तो बोलते हैं कि खाली एक इंडिविजुअल ही नहीं, राइट, ये एक्चुअल ट्रू और रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो कि हर कोई फील कर रहा है सोसाइटी में, राइट हर कोई फील कर रहा है सोसाइटी में। और ये जो है इट इज एन आउटकम ऑफ, ये जो एलिनेशन है ये किसकी वजह से है, राइट, तो वो बोलते हैं इट इज एन आउटकम ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव ओवरआर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट, कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है, राइट, कि मैन जब इस इकोसिस्टम में रहता है, ये जो ब्रॉड ओवरआर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मैन रहता है, राइट, तो वो क्या है, एलियनेशन फील करता है। तो ये जो एलियनेशन है खाली ये नहीं फील कर रहा, एवरी वन ऑफ दीज पीपल, राइट, दे आर फीलिंग द सेम, सेम एक्सपीरियंस ऑफ एलिनेशन, एवरी वन ऑफ दीज पीपल दे आर फीलिंग अंडर दिस ओवरआर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। वो कैसे फील करता है हम उसको देखेंगे जब हम बात करेंगे एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट इट्सेल्फ, राइट, तो वो हम देखेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, राइट, तो ये पूरा का पूरा हम इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, एवरी वन इज फीलिंग दिस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सोशल के बारे में बात कर रहे हैं। और इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कंसेप्ट फिलोसफी से उठा के सोशियोलॉजी में डाला, राइट, बिकॉज दिस इज सोशल इन नेचर, एवरी वन इज फीलिंग दिस, राइट, इट डज नॉट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द सेंस कि ये अलग मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अलग मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एवरी वन क्या है, सेम फीलिंग ऑफ एलियनेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, और क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव
ट्रू रियलिटी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि एक की बंदे की जो कॉन्शियसनेस है वो अलग तरीके से फील कर रही है, दूसरे की अलग तरीके से फील कर रही है। रादर इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, राइट? इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द वर्कर्स, कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द प्रोलेटेरियत, वी विल से ऑफ द प्रोलेटेरियत इन दिस ब्रॉड ओवर आर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आप इसको कहीं ना कहीं डॉर्काइम से लिंक कर सकते हो। सी ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक सोशल फैक्ट है, एलिनेशन एक सोशल फैक्ट है, राइट? और सोशल फैक्ट क्या है? विच इज एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट टू मैन, हमने पढ़ा था जब डॉर्काइम के बारे में बात कर रहा था। तो ये क्या है? ये कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट डाल रहा है। इट इज ऑल्सो पुट कंस्ट्रेंट ऑन ऑन मैन, राइट? हमने सोशल फैक्ट में पढ़ा था। तो कंस्ट्रेंट क्या डाल रहा है? हर किसी पे क्या है, ये क्या है, कॉमन एक्सपीरियंस डाल रहा है। हर एक वर्कर को एलियनेट कर रहा है, एलियनेशन कर रहा है, और ये फीलिंग सेम होगी, ये कॉमन एक्सपीरियंस होगा, ये अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं होगा। कॉमन एक्सपीरियंस के लिए इसलिए बोल रहे हैं मार्क्स, क्योंकि जब कॉमन एक्सपीरियंस होगा, राइट, हमने क्लास कंफ्लिक्ट पढ़ा था, उसमें सभी का कॉमन एक्सपीरियंस था एलियनेशन का, राइट? और इसी वजह से क्या सोसाइटी, एक जो रीजन था, जो प्रोसेस था पोलराइजेशन का, सोसाइटी इसी वजह से पोलराइज हो रही थी, बिकॉज एवरी वन वॉज फीलिंग द सेम, राइट? एंड दैट इज हाउ वो कार्ल मार्क्स इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, राइट? सो ईच लाइन दैट यू रीड इन एनी टेक्स्ट, इट मीन्स अ लॉट, राइट? उसकी एक अंडरलाइंग यू कुड से एक्सप्लेनेशन होती है, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई ही इज इंट्रोड्यूस्ड दिस इन द रियलम ऑफ सोशियोलॉजी। सी मैं आपको एक बार हेगल के कंसेप्ट और बता देता हूं कि हेगल एलियनेशन के बारे में क्या बात करते हैं, राइट? सी हेगल जब बात करते हैं, हेगल बात करते हैं गाइस्ट कॉन्शियसनेस और स्पिरिट की, तो हेगल क्या बोलते हैं? हेगल बोलते हैं कि ये जो गाइस्ट है, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट है, राइट? जब सी हमने क्या पढ़ा था, हेगल बोलते हैं कि दिस गाइस्ट कॉन्शियसनेस और स्पिरिट, इट इज इस्ट्रेंज्ड और alienated alienated from its true self, right? From its true self, right? जब ये जो गाइस्ट है, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट है, राइट, जब उसके पास, when it is estranged from its true self, right? जब उसके पास क्या है, true knowledge नहीं होगी, right? ट्रू और एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होगी, राइट? इसका मतलब क्या है? दैट मींस वो अपने आप से स्ट्रेंज है और एलिनेटेड है, और ये एलिनेशन है ऑफ गाइस्ट स्पिरिट और कॉन्शियसनेस का। अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि ये जो गाइस्ट स्पिरिट और कॉन्शियसनेस है, राइट, इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, राइट? इसकी साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस ये जाती है, और पूरी हिस्ट्री में क्या ये साइकिल चलती है, राइट? अक्रॉस हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दिस साइकिल गोज ऑन, राइट? और विद ईच टीए साइकिल, राइट, हर एक जो रिजोल्यूशन होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, राइट, हमने देखा था इनहेरेंट इंटरनल जो कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, राइट, हर एक थीसिस में क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है और फैलेसी होती है, राइट? तो इसका ये जो रिजोल्यूशन होता है, तो जैसे एंटीथीसिस होती है वो भी ट्रू है, और इनका सिंथेसिस रिजोल्यूशन होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, तो एक सिंथेसिस होती है, राइट? तो विद ईच सिंथेसिस आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच रही है, राइट? और इसी टीए साइकिल को क्या है, आप एड इन्फिनिटम रिपीट करते जाओगे आप, राइट? इसी को क्या है, हर एक बार टीए साइकिल लगेगी, यहां पर लगी, फिर और ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस आएगी, राइट? राइट, और ऐसे करते 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 क्या है, अगर ये इनफिनाइट टाइम्स, राइट, इनफिनाइट इज समथिंग विच इज नेवर अचीवेबल, अगर ऐसे वो करते हैं तो इट विल रीच ट्रू नॉलेज, राइट? ट्रू नॉलेज और एब्सोल्यूट नॉलेज, हमने ये पढ़ा था, राइट? और यहां पे वो ये जो कॉन्शियसनेस और स्पिरिट है, ये बन जाते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, राइट? और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जिसको आप गॉड भी बोल सकते हो, राइट? इट बिकम्स वन विद द गॉड, राइट? दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट सुप्रीम सोल, द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो जब तक इसके पास ये कॉन्ट्राडिक्शंस रहेंगी, राइट,
इसके पास जब तक फॉल्स नॉलेज रहेगी, राइट, फॉल्स नॉलेज रहेगी, राइट, और जब तक वो ट्रू और एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं करेगी, तो जो उसका ट्रू सेल्फ है, राइट, उससे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंज रहेगी, एलियनेटेड रहेगी। और ये कंसेप्ट दिया था हेगल ने एलियनेशन का। सी, अगर आपको समझना है इसको और बेटर वे में, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने फिलोसफी और हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें मोक्ष कब मिलता है, इनलाइटनमेंट कब मिलती है, जब क्या है, ज्यादा हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे आप जाओगे और और आप रियलाइज करोगे कि आपकी सोल अलग नहीं है, योर सोल इज वन विद द सुप्रीम सोल। शंकराचार्य ने यही कंसेप्ट दिया था, राइट। तो जैसे ही आप ये रियलाइजेशन होता है, और दिस रियलाइजेशन, ये जो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज है, राइट, ये ट्रू और ऑब्जेक्टिव नॉलेज और ट्रू एब्सोल्यूट नॉलेज जब आप अचीव करोगे, जब तक आपका एलिनेशन रहेगा, तब तक यू आर एलिनेटेड फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ, राइट। तो शंकराचार्य जब मोनिज्म की फिलॉसफी देते हैं, यही बोलते हैं कि एक ही सोल है, राइट, और जब तक आप ये बिलीव करोगे कि आपकी सोल इज सेपरेट फ्रॉम द गॉड, तो जब तक यू आर नॉट एबल टू मर्ज विद दिस ट्रू और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, राइट, द सुप्रीम सोल, राइट, तो वो कहाँ से, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। भक्ति होता, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, भक्ति, नॉलेज, राइट, और असेटिसिज्म, वेरियस पाथ होते हैं इस मोक्ष को अटेंड करने के लिए। मोक्ष इज नथिंग बट दिस मर्जिंग ऑफ कॉन्शियसनेस गाइस्ट विद द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, राइट। और जैसे ही मर्ज करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मी, राइट, आई एम द गॉड, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द गॉड। तो जब तक ये सेपरेशन रहेगी, जब तक एलिनेशन रहेगा, राइट, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये दिस कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, राइट, इट इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हेगल इज ट्राइंग टू टेल यू, राइट, व्हाट इज एलिनेशन। सो यू आर एलिनेटेड, यू कंसिडर द सुप्रीम सोल समथिंग टू बी एक्सटर्नल टू यू, इंडिपेंडेंट टू यू, राइट, दैट इज व्हाई यू आर वर्शिपिंग द गॉड, राइट। बट ये बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, अक्रॉस हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड क्या है, इट इज द ग्रोथ ऑफ दिस इंटेलेक्ट ऑफ माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ स्पिरिट और द ग्रोथ ऑफ गाइस्ट, राइट। और जब तक ये ट्रू और एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं करेगा, इट विल बी स्ट्रेंज फ्रॉम इट्स ट्रू सेल्फ, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ट्रू सेल्फ, एंड दैट इज एलियनेशन, राइट। तो हमने फिलोसॉफिकल कंसेप्ट देख लिया, सोशोलॉजिकल कंसेप्ट देख लिया एलियनेशन का, राइट। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो टोटैलिटी थी मैन की, राइट, और इसका कुछ पार्ट था सेल्फ का, विच इज बीइंग मेड एक्सटर्नल, सेपरेट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैन, राइट। तो यहां से क्या है, टोटैलिटी के बाद क्या हुआ, गैप आ गया, राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, राइट, जबकि ऑब्जेक्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, टोटैलिटी होनी चाहिए। और आपका जो हेगल बोल रहे हैं कि जो टीए साइकिल है, थीसिस एंटीथीसिस, जब हम ऐसे जा रहे हैं और अल्टीमेटली हम क्या है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, ट्रू और एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये पाथ के साथ साथ क्या है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, मर्ज करते जाएंगे, राइट। तो ये जो है ओवरलैप और बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मर्ज कर जाएगा और टोटैलिटी अचीव हो जाएगी, राइट, हार्मनी, कनेक्टेडनेस, मैन विल बिकम होलसम और कंप्लीट, राइट। सो अंटिल एंड अनलेस दिस इज सेपरेटेड, देन देयर विल बी एन एलियनेशन, राइट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो आप पढ़ते हो इंग्लिश में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मतलब है, सी यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, राइट, सब्जेक्ट इज योर गाइस्ट, माई गाइस्ट, माई कॉन्शियसनेस इन फिलोसफी इज सब्जेक्ट, और एवरीथिंग एल्स इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर आपने पढ़ा हो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, तो मैंने उसमें पढ़ाया था जर्मन आइडियलिज्म के बारे में, और हेगल एक ही रियलिटी में बिलीव करते हैं, वो खाली आइडियलिज्म में ही बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि गाइस्ट, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट। अगर और कुछ आपको दिखता है, राइट, कुछ भी दिख रहा है आपको, एवरीथिंग जो आपकी जो रियलिटी है, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ आइडियल, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ गाइस्ट, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ स्पिरिट, हमने पढ़ा था ये, व्हाट इज आइडियल, दैट इज रियल, राइट। तो जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मर्ज होंगे, एक ही होंगे, राइट, अगर आपको ये पता है कि गाइस्ट ही खाली ओनली चीज है, इट इज द ओनली रियलिटी, और जितनी भी रियलिटी आपको दिख रही है, सोशल और फिजिकल रियलिटी, दैट इज नथिंग बट दिस प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्राइम रियलिटी, दैट इज द गाइस्ट, राइट, हमने पढ़ा था, तो टोटैलिटी होगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को सेपरेट मानने लग जाओगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल
दिस माई हैंड्स आर ऑब्जेक्ट टू मी राइट, दे आर एक्सटर्नल टू मी बिकॉज माई कॉन्शियसनेस आर एबल टू सी माई हैंड राइट, हाउ माई हैंड्स आर मूविंग राइट. This microphone is external to me. The shirt I am wearing, that is external to me. The my goggles are these specs are external to me, right? The phone is external to me with which I am making this video, and you people are external to me. So everything that is external to me, right? It is object, and my geist is subject. लेकिन वो आपका क्या बोलते हैं? Hegel कि only reality is ideal reality. राइट, आइडियलिज्म इज द ओनली रियलिटी. जर्मन आइडियलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में. और दिस इज द प्राइम रियलिटी, और जो भी ये रियलिटी आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ और यू कुड से रेप्लिका और एन आउटकम ऑफ दिस प्राइमरी रियलिटी एंड ऑल द अदर रियलिटी इज सेकेंडरी इन नेचर. तो गाइस और कॉन्शियसनेस और दैट इज द ओनली रियलिटी, ठीक. और आइडियाज में ही रियलिटी होती है, ठीक. हमने पढ़ा भी था कैमरा जो था उसके नेगेटिव है उसको गाइस्ट मान सकते हो, और जो फोटोज डेवलप होते हैं राइट, वो फोटोज कुछ नहीं है, वो कैमरा के नेगेटिव से डेवलप हो रहा है. तो प्राइम और कोर रियलिटी क्या है? गाइस्ट है. और ये फोटोज जो डेवलप हुए हैं राइट, इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो. अगर आप इसको सेपरेट मान रहे हो तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट टू यू राइट, बट इट इज अ फॉल्स इल्यूजन. दिस इज एन काइंड ऑफ एलियनेशन राइट, जब तक आपको ट्रू नॉलेज नहीं होगी राइट. तो ऐसे कहीं ना कहीं हेगल एलियनेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया एलियनेशन का. अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है राइट. विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लेबर और एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, फेलो वर्कमैन एंड एलियनेशन फ्रॉम नेचर और एनवायरमेंट राइट. So that is a part of your sociology. इसके बाद will be taking a look into your concept, sociological concept, right? But this was an introduction. Without this, you won't be able to understand or appreciate what in reality alienation means, right? तो जो totality आपकी कहीं ना कहीं चली जाएगी right? तो आप concept नहीं समझ पाओगे, totality चली जाएगी, तो आप में alienation रहेगी, एक frustration रहेगी that you are not able to understand the concept well, right? So in order to appreciate this totality, I was talking about this. Now we'll be taking a look into the sociological concept of alienation. See, अब हम देखते हैं और further continue करते हैं lecture को, और हम देखते हैं link between man, labor and human nature. हम लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में क्या लिंक है उसको ट्रेस करेंगे राइट. बिकॉज जैसे ही मैन और लेबर के बीच में जो रिलेशनशिप है ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा राइट. ये जो लिंक है मैन का सेल्फ और नेचर और लेबर के बीच में जो लिंक है, जब ये ब्रोक व्हेन इट इज बीइंग ब्रोकन राइट, जब ये टूट जाएगा या परवर्जन हो जाएगा इस रिलेशनशिप का, तब एलियनेशन की फीलिंग क्रिएट होगी राइट. और ये स्पेसिफिकली क्या है, कैपिटलिज्म में देखा जाता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन नेचर. कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो मैन और जो नेचर और मटेरियल वर्ल्ड है, जो नेचर और मटेरियल वर्ल्ड है या नेचुरल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल जो वर्ल्ड है राइट, इनके बीच में जो लिंक है, इनके बीच में जो लिंक है, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय लेबर. राइट, हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे थे, जो इंसान की जो प्राइमरी एक्टिविटी है राइट, इंसान की जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, इंसान की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इजंट इट. इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इंसान की प्राइमरी एक्टिविटी है. और
हमने देखा था, मार्क्स कोट करते हैं, इन ऑर्डर टू थिंक मैन हैज टू ईट एंड इन ऑर्डर टू ईट मैन हैज टू प्रोड्यूस, राइट। तो सबसे पहले अगर मैन को अपनी सबसे बेसिक नीड्स, अगर मैन को अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है, राइट, उसकी मटीरियलिस्टिक जो नीड्स हैं और बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, तो ही हैज टू टैप इनटू द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, ही हैज टू टैप इनटू द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, टैप इनटू द रिसोर्सेज ऑफ नेचर। और हमने देखा था कि नेचर से ही हम क्या है, अपना सब्सिस्टेंस, लाइवलीहुड और सर्वाइवल क्या है, वहीं से क्या है डिराइव करते हैं, राइट। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर, राइट। तो मैन की जो नीड्स है वो क्या है, लेबर, वो क्या है, नेचर के थ्रू ही मिलती है। और इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक है मैन के बीच में, इट इज ओनली थ्रू लेबर, इट इज ओनली थ्रू वर्क दैट मैन मीट्स नेचर, मैन मीट्स नेचर ओनली थ्रू वर्क, राइट। इट इज द लिंक, द लेबर इज द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक। तो सी, तो डुर्खाइन, आपका सॉरी कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि सबसे जो प्राइमरी एक्टिविटी वो तो यही है कि नेचर से हम सारा एक्सप्लॉइट करेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, राइट, प्रोडक्शन रिलेशंस बनेंगे, इसी से जो पहली एक्टिविटी और प्राइमरी और कोर एक्टिविटीज इंसान की यही है, क्योंकि सबसे पहले यही नीड सेटिस्फाई आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा सोसाइटी का, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट, हमने पढ़ा था व्हेन यू लुक्ड इनटू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो बाकी सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी है, राइट, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही सारी चीजें शेप्ड है, बिकॉज ये बेस है, राइट। तो अगर आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स, ये बेसिक नीड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी बाकी जितनी भी नीड्स हैं वो जैसे स्पिरिचुअल नीड्स होगी, इंटेलेक्चुअल नीड्स होगी, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, सॉरी आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो पहला हमने देखा कि लेबर इज अ लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर, राइट। अब यहां पे कार्ल मार्क्स रिफ्यूट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं लॉक को, रिफ्यूट क्रिटिसाइजेस लॉक, जॉन लॉक, राइट, हमने पढ़ा था जॉन लॉक के बारे में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मॉडर्निटी, और वहां पे हमने देखा था जॉन लॉक क्या बोलते हैं। सी, जॉन लॉक बोलते हैं कि मैन के जो लेबर है, व्हेन मैन मिक्सेस इज लेबर विद नेचर, तो क्या है, इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। इसका हमने एग्जांपल भी पढ़ा था, राइट, इसका हमने क्या एग्जांपल पढ़ा था, अगर मैन अपने लेबर को मिक्स करता है नेचर, फॉर एग्जांपल लैंड के साथ, तो हमें क्या मिलती है, क्रॉप्स मिलती है, और दैट क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स मिल रही है, दैट इज फॉर कंजम्पशन ऑफ मैन और इट इज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। तो लेकिन मार्क्स यहां पे क्या, कैसे बोलते हैं, रिफ्यूट क्या करते हैं, सी मार्क्स बोलते हैं कि रिवर्स आर्ग्यूमेंट ट्रू है, राइट, ही सेज, मार्क्स सेज कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एंड इट्स इमर्जेंस, राइट, द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी is a perversion, right,
ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन और लेबर एंड नेचर, राइट। और यही से ही जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज करती है, और लेबर और नेचर के बीच में जो लिंक है, और मैन और लेबर के बीच में जो लिंक है, ये जैसे ही डिस्टॉर्ट होता है या इसकी परवर्जन होती है, राइट, इसकी नेगेटिव फॉर्म अचीव होती है, तो इसी के साथ एलियनेशन का स्टार्ट होता है, राइट। ठीक है, तो एलियनेशन इज समहाउ कनेक्टेड विद द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं, राइट, एलियनेशन का स्टार्टिंग यहां से हुई थी, राइट। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में के बाद जैसे ही फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, राइट, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, एवरीथिंग वॉज बीइंग कॉमनली ओन्ड, और उसके बाद जैसे ही एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, और इस यह जो ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे क्या है, इमर्जेंस होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यहाँ पे इमर्जेंस होगा, और यहीं से क्या है, लिंक बिटवीन लेबर एंड नेचर डिस्टोर्ट कर जाएगा, और यहीं से क्या है, एलिनेशन की स्टार्ट होगी। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, एलिनेशन कहीं ना कहीं लिमिटेड है। ये जो एलिनेशन है राइट, ये जो एलिनेशन है, ये अपनी जो पीक फॉर्म है वो रीच करेगा, अपनी पीक फॉर्म रीच करेगा कब, इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इसीलिए वो मेनली क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में एलिनेशन कैसे होगा वो बात करते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, राइट, दैट लेबर इज द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर, राइट। और थ्रू व्हेन मैन टैप्स इनटू द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, तो मैन क्या है, दिस रिसोर्सेज ऑफ नेचर आर यूज फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, राइट, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। और ह्यूमन नीड्स हमने देखी थी, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, मल्टीपल, फ्यूल, मेडिसिन, एवरीथिंग इज ड्राइव फ्रॉम नेचर, राइट। तो ये लेबर और ह्यूमन नेचर का क्या है, हम जो मार्क्स कंसीव करते हैं कि कैसा होना चाहिए, राइट, और कैसा एक आइडियलिस्टिक फॉर्म में होता है रिलेशनशिप, वो हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू पुट अक्रॉस टू यू, राइट। सेकेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, ये मेन क्रक्स है लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप, राइट। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो मैन है, मैन इज द ओनली स्पीसीज, मैन इज द ओनली स्पीसीज विच कुड परफॉर्म और एंगेज इन कॉन्शियस लेबर, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि जो लेबर है, लेबर के थ्रू इंसान क्या कर रहा है, सी, जो इंसान और जो मैन है वो एक कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर क्या है, उसमें इंगेज हो रहा है। और लेबर क्या है, लेबर में क्या है, इंसान क्या है, अपना जो थॉट है, उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो मैनिफेस्ट कर सकता है, राइट। कॉन्शियस लेबर का क्या मतलब है, कॉन्शियस लेबर से मार्क्स बोलते हैं कि जो पहले इंसान के थॉट में था, उसकी इमेजिनेशन में था, राइट, उसकी कॉग्निशन में था, राइट, इट वॉज इन कॉन्शियस, राइट, वो क्या है,
जब वो एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करता है, राइट राइट ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, जब वो उसके जो माइंड में था पहले, राइट जो उसके पहले माइंड में था, उसके थॉट्स में था, उसकी इमेजिनेशन में था, उसकी वो उसकी क्रिएटिविटी दिखा रहा था, जब वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है राइट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनता है, एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनता है राइट और एक आपका प्रोडक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट आपका निकल के आता है उसकी वजह से, राइट ठीक है। तो ये जो आप थॉट को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर रहे हो और प्रोजेक्ट कर रहे हो रियलिटी पे, राइट इसको बोला मार्क्स ने ऑब्जेक्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, राइट प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसी के थ्रू क्या है आपका लेबर मैनिफेस्ट हो रहा, राइट तो ये जो लेबर है ये क्या है, ये आपका इंटेंट और आपका पर्पस दिखाता है, राइट आपका थॉट दिखाता है, आपका माइंडसेट दिखाता है, आपकी इमेजिनेशन दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है। और इन्हीं आइडियाज को जब आप रियलिटी में इंप्लीमेंट करते हो या मैटर पे इम्पोज करते हो या मटेरियल वर्ल्ड पे इम्पोज करते हो, राइट और एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव रियलिटी और उसका एक प्रोडक्ट निकल के आता है आपके लेबर का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो इन मैन बोल आपका जो मैन है खाली वो ही कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर में क्या है इंगेज कर सकता है, राइट ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस इज समथिंग, दिस कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर, द आइडियाज विच यू हैड इन माइंड, राइट द थॉट विच यू हैड इन माइंड, द क्रिएटिविटी विच यू यूज्ड विच वाज ओनली इन माइंड, राइट व्हेन यू एक्चुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेबर, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेबर, राइट यू कन्वर्टेड देम इनटू एक्चुअल प्रोडक्ट्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, राइट इट बिकेम एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, राइट सो दिस रियलिटी, दिस प्रोडक्ट, दिस इज द फ्रूट ऑफ योर लेबर, राइट दिस रिफ्लेक्ट्स योर इंटेंट एंड पर्पज। और इस फॉर्म ऑफ लेबर खाली मैन ही परफॉर्म करता है। और कार्ल मार्क्स यहां पर बोलते हैं कि दिस कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर, दिस कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर क्या है, इट डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल्स, इट डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल्स, मैन को एनिमल से यही सेपरेट करता है कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर, जहां पे मैन अपनी क्रिएटिविटी थॉट और इमेजिनेशन को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट और दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू लेबर, राइट सो लेबर से मैन अपने आप को क्या है रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन दिखा रहा है उसमें, राइट right? तो अगर पेंटर राइट पेंटर अपनी थॉट और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी और माइंड का यूज करके राइट जो पहले उसके पेंटिंग का एक आइडियल कंसेप्शन रहा होगा जो उसके माइंड में रहा होगा और जब उसने एक्चुअल में जो पेंटिंग बनाई राइट दैट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी और प्रोडक्ट ऑफ और फ्रूट ऑफ इट इज लेबर, राइट ओनली दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस काइंड ऑफ लेबर ओनली मैन कुड डू, राइट और कोई एनिमल और कोई क्रिएचर राइट और भाई अदर क्रिएचर्स और स्पीसीज ऐसा नहीं कर सकते, खाली मैन ही कर सकता है, राइट राइट। और सिमिलरली आपका पॉटर जो उसके माइंड में था, थॉट में था, इमेजिनेशन में था और अपने उसने ब्यूटीफुल स्किल्स और क्रिएटिविटी का यूज करके वो जब पॉटरी बनाता है राइट डिफरेंट फॉर्म्स की पॉटरी बनाता है, ब्यूटीफुल पॉटरी बनाता है डेकोरेटिव पर्पजेज और अदर पर्पजेज के लिए, राइट तो ये जो है एक्चुअल में आती है दैट इज एन ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस थॉट इनटू द ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन, राइट। सिमिलरली टीचर जब जो उसके थॉट्स हैं राइट जो उसने कंसीव किया हुआ लेक्चर राइट जो उसकी इमेजिनेशन में था बिफोर डिलीवरिंग लेक्चर और जब वो एक्चुअल में डिलीवर कर रहा है बिफोर द स्टूडेंट्स राइट दैट एक्चुअल लेक्चर राइट इट इज एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ हिज थॉट प्रोसेस दैट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, राइट तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली मैन कैन डू, नो अदर क्रिएचर्स कुड परसू दिस काइंड ऑफ लेबर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्शियस लेबर, राइट। और यही से मैं वो कंसेप्ट देते हैं स्पीसीज बींग का, वो बोलते हैं मैन इज अ स्पीसीज बींग, राइट एंड दिस स्पीसीज बींग ओनली हैज द एबिलिटी टू इंगेज इन कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर।
राइट। और सिमिलरली अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल कोडर, कोई भी कोडर जब अपना प्रोग्राम लिखता है राइट, तो पहले जो उसने कंसीव किया हुआ था एक एल्गोरिदम बनाया हुआ था उसने कि ऐसे ऐसे करके दिस थिंग्स और इंस्ट्रक्शंस वो दी जाएगी और एक प्रोग्राम जो एक्चुअल में जो प्रोग्राम आता है उसका निकल के राइट दैट इज अ, तो जो वर्क और लेबर है उसकी जो कॉन्शियस फॉर्म है उसका रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी और फाइनल प्रोडक्ट राइट, दिस इज द फ्रूट ऑफ हिज लेबर राइट। ठीक, तो लेबर क्या है, रिप्रेजेंट करता है सी बाकी एनिमल से कैसे डिफरेंट है। तो कार्ल मार्क्स एक एग्जांपल देते हैं, कार्ल मार्क्स एक एग्जांपल देते हैं हमारे वर्क्स में राइट। वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स है उनका जो लेबर होता है, एनिमल्स का जो लेबर होता है वो काफी क्या होता है, इंस्टिंक्टिव होता है राइट, इट इज इंस्टिंक्टिव एंड नेचुरल। उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं रहता राइट। और वो एग्जांपल भी देते हैं, सी कार्ल मार्क्स एग्जांपल देते हैं बीज का राइट, बीज का एग्जांपल देते हैं। बीज क्या करती हैं, फ्लावर से प्लांट से फ्लावर से उसका नेक्टर निकालती है राइट, और ये जो नेक्टर है अल्टीमेटली ये क्या कन्वर्ट करती है, हनी में। तो अगर आप उनका जो हनीकॉम स्ट्रक्चर देखोगे उनका, इट इज परफेक्ट राइट, वो बिल्कुल परफेक्ट है, एक परफेक्ट हेक्सागोन की फॉर्म में है और ये रिपीट होता है राइट, मल्टीपल हेक्सागोन से बनाते हैं राइट, इतनी परफेक्ट सिमेट्री, इतनी परफेक्ट शेप राइट, इतना परफेक्ट वर्क, बट दिस वर्क और दिस लेबर ऑफ बीज इज नॉट कॉन्शियस राइट, रादर इट इज इंस्टिंक्टिव एंड नेचुरल, दे रियली डो नॉट थिंक अबाउट इट राइट, दिट इज वेरी इंस्टिंक्टिव एंड नेचुरल टू दैम एंड दे डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन राइट। बट वट मैन का जो वर्क है वो कॉन्शियस है राइट, और बाकी कोई भी जो क्रिएचर है वो कॉन्शियस वर्क कर ही नहीं सकता राइट। इसके थ्रू लेबर के थ्रू क्या है, बीज क्या है, इमीडिएट नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, सर्वाइव कर रही है राइट, लेकिन ये जो लेबर बीज कर रही है राइट, इट इज इंस्टिंक्टिव एंड नेचुरल, इसमें कोई भी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्शियस फॉर्म ऑफ लेबर राइट। और दिस इज वट ये मैंने आप एक एग्जाम्पल दिया एवरीथिंग एल्स आप ऐसी ही डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन मैन एंड एनिमल राइट। सो वो बोलते हैं मैन इज अ स्पेसिफिक स्पीसीज बींग, और मैन का जो सेल्फ है और जो पर्सनैलिटी है, मैन की जो सेल्फ है और जो पर्सनैलिटी है राइट, और उसका जो नेचर है, कोर नेचर है, वो रिफ्लेक्ट करता है उसके वर्क में राइट, इट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क और लेबर राइट, बिकॉज दिस वर्क और थ्रू दिस लेबर और द फाइनल फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर, मैन इज रिफ्लेक्टिंग नथिंग बट हिमसेल्फ राइट। सो अगर आप बात करते हो कोई भी टीचर जो लेक्चर देता है राइट, तो दैट लेक्चर that is the fruit of his work, that is the fruit of his labor, that is nothing but a reflection of that particular teacher right, uska thought process, uske ideas kya hai right, because wahi wo communicate kar payega baki sabhi ke sath right, to wo kahin na kahin jo uska lecture hai, it is an extension of his personality, it is an extension of his self right, to wo kya reflect kar raha through work, apni jo hai work ke through reflect kar raha right, theek। और मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल योर मदर राइट, द पर्सनैलिटी ऑफ योर मदर रिफ्लेक्ट्स इन हर वर्क राइट। जब वो खाना बनाती है, आपकी मदर के हाथ का जो खाना है राइट, वो काफी अलग ही रहता है राइट, उसकी एक अलग एप्रिसिएशन होती है, और उस खाने में आपको आपकी जो मदर है उनका लेबर दिखता है, उनकी पर्सनैलिटी दिखती है, उनका सेल्फ दिखता है राइट, उनकी क्रिएटिविटी दिखती है उसमें खाने में राइट। तो जो आपकी मदर का लेबर रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके फाइनल लेबर के प्रोडक्ट में, उसमें उनका केयर दिखता है, उनका अफेक्शन दिखता है राइट। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो आपकी मदर की जो पर्सनैलिटी और सेल्फ है वो आपके लेबर के थ्रू ये जो प्रोडक्ट है इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है राइट, उनकी जो छाप है, जो छवि है, वो उनके वर्क में मिल रही है। सो लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट,
थिंग और मैन क्या है, थ्रू कॉन्शियस लेबर रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी, रिफ्लेक्ट हिज सेल्फ, रिफ्लेक्ट हिज नेबर, रिफ्लेक्ट हिज नेचर इन हिज वर्क एंड इन हिज फाइनल प्रोडक्ट, राइट? सो लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी. यहीं पे ही अगर आप बात करोगे कोडर स्टीव वोजनियाक, राइट, द फेमस कोडर, तो उनके जो वर्क्स और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी छाप दिखेगी, उनकी पर्सनैलिटी दिखेगी, राइट? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस लेबर, वर्क, क्रिएटिविटी विच वॉज इन माइंड. एंड when the process of objectification happened, when this labor was actually implemented and the final fruit of his labor, वो जो आता है objective reality आती है, तो वो क्या है, that is a process of objectification, वहाँ पर उनकी personality दिखती है, right? तीसरा कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं लेबर और ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है? एक तो ग्रेटिफिकेशन और इमीडिएट नीड्स, लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर, कॉन्शियस बींग, ये हमने देख लिया, राइट, उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तीसरा क्या बोलता है कार्ल मार्क्स, कि मैन लेबर के थ्रू क्या है, ट्रांसफॉर्म्स नेचर, नेचर को ट्रांसफॉर्म करता है और मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड अपना जो है उसका फिजिकल वर्ल्ड उसको ट्रांसफॉर्म करता है, राइट? कुछ भी हो सकता है. सी राइट नाउ माय मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट दिस बोर्ड एंड दिस चॉक, राइट? व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस, राइट, आई एम चेंजिंग दिस बोर्ड और दिस चॉक इज ऑल्सो चेंजिंग, राइट, इसकी लेंथ डिक्रीज कर दिया है. और यू पीपल आर एक्सटर्नल टू मी, यू आर एन ऑब्जेक्ट टू मी, राइट, यू आर अ पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. और इन लेक्चर्स के थ्रू आपकी थिंकिंग, आपकी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है, राइट? सो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू माई लेबर, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर, मटीरियल वर्ल्ड और द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड मी, राइट? आई बींग द सब्जेक्ट, आई एम चेंजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स, राइट? ठीक, तो मैन थ्रू लेबर क्या है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है नेचर और मटेरियल वर्ल्ड को और फिजिकल वर्ल्ड को. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि खाली इतना ही नहीं है, ये जो रिलेशनशिप है ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट, मैन क्या है, मैन नेचर को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहा है, राइट, नेचर को तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन ये जो लिंकेज है ये म्यूचुअल लिंकेज है, राइट, इसी प्रोसेस में क्या है, नेचर भी ट्रांसफॉर्म करता है और मटेरियल वर्ल्ड भी ट्रांसफॉर्म करता है और फिजिकल वर्ल्ड भी ट्रांसफॉर्म करता है मैन को, राइट, राइट. इन दिस प्रोसेस ऑफ लेबर मैन भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, मैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ और यू कुड से डिस्कवर हिमसेल्फ. राइट, इसी के थ्रू मैन क्या है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है या डिस्कवर करता है. अ सिंपल एग्जांपल वुड बी, स्पेशली अगर ये लेबर क्या है, स्पेशली व्हेन दिस लेबर इज मीनिंगफुल टू द मैन, राइट, उसके लिए मीनिंगफुल और पर्पसफुल है. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. लेट अस टॉक अबाउट योर फेवरेट पोस्ट, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट, डीएम और डीसी. लेट अस कंसीडर दैट यू बिलोंग टू एन अर्बन ज्योग्राफी, राइट, आप उसी में पले बड़े हो, आपका सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग अर्बन ज्योग्राफी में ही हुआ है, अर्बन कल्चर में ही हुआ है, और आपने लेबर किया, मेहनत की, एंड यू आर एबल टू क्लियर यूपीएससी, ठीक, और आपकी पोस्टिंग हुई वो रूरल पोस्टिंग हुई, राइट, फॉर एग्जांपल इन अ रिमोट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, और झारखंड टू फॉर दैट एक्सटेंट और एनी अदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक. तो जब आपने जो लेबर किया है, आपने जो नॉलेज अटेन किया है, राइट, प्लस आपने लेबर किया है ट्रेनिंग में, आपको जो नॉलेज मिली है, राइट, दैट इज योर लेबर, एंड यू हैव अ कंसेप्शन कि थ्रू माय कॉन्शियस लेबर, राइट, यू हैड सर्टेन इंटेंट, यू हैड सर्टेन पर्पस, यू हैड सर्टेन थॉट्स और आइडियाज इन माइंड, राइट,
what you want to achieve while being a district collector, right? While being a district magistrate, you have certain things in mind that you want to implement, right? Topper से पूछा जाता है कि आप क्या implement करना चाहोगे? तो similarly, you have certain thought process. Or when you go into the field, right? You want to change the entire district, right? पूरा उनके social indicators change करना चाहते हो, right? Education बढ़ाना चाहते हो, health conditions improve करना चाहते हो. तो आपका जो material world है, right? जो people है, उनको पूरा आप क्या है उनको आप पूरे उसको चेंज करना चाहते हो राइट कहीं ना कहीं. तो वो वहां पे जब उसको आप चेंज करोगे वो आपको थॉट प्रोसेस दिखाएगा, आपको पर्पस, आपका इमेजिनेशन और क्या क्रिएटिविटी, आप क्या क्या प्रोसेसेस यूज कर रहे हो राइट, कितने इफेक्टिव प्रोसेसेस यूज कर रहे हो. सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर दिस कॉन्शियस लेबर राइट. और जब ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा राइट, जब वो एक्चुअल में आप वर्क करोगे और एक्चुअल में जो आउटकम्स देखने को मिलेंगे राइट, सो दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. और वही आपका जो लेबर है और आपका जो थॉट प्रोसेस है उसका जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है थ्रू योर लेबर राइट, वो एक्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में आ रही है. और जो हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, एजुकेशन इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं राइट, दैट इज नथिंग बट द फ्रूट ऑफ योर लेबर. ठीक, नाउ दिस इज हाउ फ्रॉम दिस इज हाउ your through your labor you are transforming the nature or material world or the physical world around you right. Lekin isi jab isi process mein kya hai, you will also be transformed right, right, you will also be transformed and you will discover yourself right. You will become through this continuous interaction between you and this material physical world, you will continuously be rediscovering yourself right. आप कुछ ना कुछ आपकी सेल्फ में गेन होता रहेगा, पर्सनालिटी में गेन होता रहेगा, आपकी कॉन्शियसनेस में गेन होगा. तो आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे और 5 साल बाद जो आपकी पर्सनालिटी होगी राइट, दैट विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी राइट. आप उसमें कुछ ना कुछ एडिशंस होते रहेंगे, यू विल बी डिस्कवरिंग योर सेल्फ सर्टेन फैसेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ विच यू डिडंट इवन नो. तो ये क्या खाली म्यूचुअल प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है राइट. आप जब मल्टीपल लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जब आप ट्राइबल से इंटरेक्ट करोगे वहां के राइट, पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट करोगे, किसान ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से इंटरेक्ट करोगे राइट, और मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल प्रेशर ग्रुप से इंटरेक्ट करोगे, तो आप खाली इन्हीं को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, ये क्या है म्यूचुअल है राइट. आप साथ के साथ आपकी पर्सनैलिटी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है राइट. व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल बी मीटिंग दोस ट्राइबल पीपल राइट, so they will in turn will be transforming you right. So it is a mutual process right. So man apne aap ko bhi discover karega, specially if the purpose is especially if your labor is meaningful and purposeful right. For example, when I first started making lectures right, my aim was to transform the thought process of the people and to share my thought process and aap mein bhi ek thought process change karne ki koshish ki right. Actual mein sociology ke jo deep कंसेप्चुअल मीनिंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स है वो डेवलप करने की कोशिश की राइट. सो आई एम ट्राइंग टू चेंज माई मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड, माई सराउंडिंग्स राइट. यू आर मटीरियल टू मी, यू पीपल आर एक्सटर्नल टू मी, बट इन दिस प्रोसेस ऑफ लेबर आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग माई सेल्फ राइट, आई एम ऑल्सो बींग ट्रांसफॉर्म्ड राइट. सो दिस इज वट मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर राइट. दिस इज हाउ योर लेबर शुड बी. तो आपकी जो लेबर है, लेबर क्या है, आपकी जो है सेल्फ, मैन की जो सेल्फ है, मैन का जो नेचर है और मैन की जो पर्सनैलिटी है उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है राइट. उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और उसका एक आप बोल सकते हो कोर पार्ट है राइट. यही लेबर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू योर वर्क, और यही आपका जो लेबर है ये कंटिन्यूअसली आपकी पर्सनालिटी को शेप भी कर रहा है राइट. सो दिस लेबर बिलोंग्स टू यू राइट. दिस लेबर मेक्स यू होलसम, दिस लेबर मेक्स यू अ टोटल मैन, दिस लेबर मेक्स यू अ आपके एक हार्मनी क्रिएट करता है बिकॉज दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ. बिना आप लेबर के आप कुछ कर ही नहीं सकते राइट. It all begins with you performing your work, performing your labor. It is only through your work you are going to discover yourself, right? Your entire life should be devoted to your work, should your occupation, right? ठीक. और ना ही ऐसा खाली नहीं है, तीसरा fourth point I'll be talking about is, Marx बोलते हैं
कि थ्रू मैन, थ्रू लेबर वो क्या कर रहा है? सी, एक तो अपनी इमीडिएट नीड्स को ग्रेटिफाई कर रहा है, राइट, सेल्फ को डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और ह्यूमन नेचर, राइट, बट ऑल्सो इज ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, इज ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, राइट, ठीक. और दिस इज द फोर्थ पॉइंट, राइट, लेबर के थ्रू क्या है, मैन और सोसाइटी में जो बॉन्ड बनता है, मैन और सोसाइटी में जो बॉन्ड बनता है, जो कनेक्ट बनता है, राइट, वो कैसे बनता है? इट इज ओनली थ्रू लेबर, राइट, बिकॉज थ्रू लेबर मैन क्या है, इज शेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ इज लेबर, इज शेयरिंग द फ्रूट्स, इज शेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, राइट, विद फेलो मैन ऑफ द सोसाइटी, विद फेलो मैन ऑफ द सोसाइटी. थिंक अबाउट द पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इंटरनेट, राइट, एंड मेड इट अ काइंड ऑफ एन ओपन सोर्स ऑफ थिंग, राइट. तो थ्रू इंटरनेट ही वॉज ट्राइंग टू, जब कोई भी चीज आपके ओपन सोर्स होती है, राइट, तो आप जब शेयर करते हैं लोगों के साथ, राइट, थ्रू योर फेलो मैन, सो योर थ्रू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर यू आर शोइंग योर केयर एंड दैट यू आर शोइंग योर अफेक्शन फॉर द फेलो मैन ऑफ द सोसाइटी, राइट, राइट. जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनके ये काम करोगे, राइट, योर एक्सटेंशन ऑफ फ्रूट्स, राइट, extension of your labor or the fruit of your labor, right, through that you are able to show that you actually mean something for the inhabitants or the people of that particular district, yeah, through that labor you'll be trying to forge a bond or connect with your fellow man, right. So when everyone will be doing the same kind of thing through labor, when everyone will be doing the same kind of thing, right, to aapas mein they will be showing a mutual reciprocity, care, affection towards each other, right. सो तो आपके जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है, राइट, वो विद दैट यू विल बी कनेक्टिंग विद द फेलो मैन. तो यहाँ से क्या यू विल बी शोइंग योर केयर एंड अफेक्शन और बॉन्ड और कनेक्ट बनेगा. तो यहाँ से सॉलिडैरिटी, यूनिटी और सोसाइटी में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, राइट. ठीक है, आप इसमें इमेजिन भी कर सकते हो कि जब वर्क से आप ट्रांसफॉर्म करोगे लोगों को, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. जो टेक्नोलॉजी वो लेके आए, राइट, जो रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज वो लेके आए और जो उन्होंने डिफेंस में काम किया, उन्होंने हमारी नेशन स्टेट को और हमें एज ए सिक्योर नेशन कैसे शेप किया और हमारी कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया, राइट. और वही जब आपको मिसाइल्स रिपब्लिक डे को देखने को मिलती है, जो शोकेस करती है इंडिया की स्ट्रेंथ को, यू ऑल योर पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट दैट डिफेंस स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, राइट. सो ये सारी की सारी चीजें हैं और ये जो यही लेबर है, राइट, दिस इज द आइडियल कंसेप्शन ऑफ लेबर दैट कार्ल मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट, राइट. और यही से ही जो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है एलिनेशन की, वो यही है कि जब ये जो लिंक है बिटवीन मैन और लेबर, ये जो लेबर के बीच में, जो मैन और लेबर के बीच में ये जो लिंक है, ये कनेक्ट है, राइट, दिस लिंक इट बिकम्स, ये लिंक क्या है, इट गेट्स ब्रोकन, राइट. लेबर इज डिसोशिएटेड फ्रॉम मैन और ये मैन और लेबर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये क्या है, एक परवर्स रिलेशनशिप बन जाती है, राइट. द लेबर जो है, लेबर क्या है, इट बिकम्स एक्सटर्नल टू मैन. एक्सटर्नल टू मैन हाउ, बिकॉज दिस लेबर, ये जो लेबर है मैन का नहीं है, ये जो लेबर है मैन का नहीं है, राइट. ये जो लेबर है इट बिकम्स एक्सटर्नल, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट टू मैन, राइट, बिकॉज यहां पे क्या है, दिस लेबर इज एक्सटर्नल, दिस बिकम लेबर इज एक्सटर्नल, दिस लेबर इज सेपरेट, दिस लेबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, राइट, बिकॉज मैन ने क्या है, अपना लेबर सोल्ड कर रहा है वेज मार्केट में,
अपना लेबर सोल्ड कर रहा है जो वेज मार्केट में, राइट। तो ये जो लेबर कौन ऑन करेगा, ये जो लेबर है कौन ऑन करेगा, कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजी ऑन करेगा, राइट। बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास ऑन करेगी, राइट। तो लेबर भी मैन को बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। दीज आर द, बिकॉज लेबर क्या हमने देखा था, लेबर कहां पे आता है, लेबर इज अ पार्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। हमने देखा था और लेबर के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। लेकिन ये लेबर भी ऑन कर रहा है बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट, राइट। तो मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज लेबर, राइट। और इसी को बोलते हैं एलियनेटेड लेबर, बिकॉज और आपका लेबर जो आपको पर्सनैलिटी डिफाइन कर रहा था, आपकी स्पीसीज बिंग बता रहा था, आप जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था, राइट, आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, अपनी आपकी सेल्फ का रिफ्लेक्शन था आपका लेबर, आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा था आपकी लेबर, राइट। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो मैन की सेल्फ भी, मैन अपनी सेल्फ को डिस्कवर नहीं पड़ेगा कर पाएगा, और यहीं से भी आपने पढ़ा होगा एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, राइट। सो दिस इज व्हाट एलियनेशन इज, राइट, बिकॉज लेबर गेट्स एलियनेटेड फ्रॉम मैन, इट बिकम्स एक्सटर्नल सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन, राइट। और इस लेबर के साथ क्या करना है, दैट इज द प्रायोरिटी that is being dictated by the capitalist, right? So labor does not belong to the worker or cap or proletariat anymore. It becomes an object to the man. It becomes external to the man, right? Or rather, it enslaves man, right? This labor enslaves man. So the relationship is broken, dissociated, or the relationship is perverted, right? अगर आपको alienation का मतलब समझना है, किस type की feeling होती है capitalist economic structure में, I hope you have seen the मूवी तमाशा। उसमें जो फीलिंग आती है, आपने रणबीर कपूर ने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया उस फीलिंग को उस मूवी में, और वो आपको देखने को मिलती है इन दैट मूवी तमाशा, राइट। जब वो एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, ही इज नॉट इनटू द वर्क एनीमोर, ही इज दैट वर्क इज नॉट डिफाइनिंग हिम, राइट। वो काफी डिस्पेयर फॉर्म में रहते हैं, राइट, डिसइंटेंटमेंट रहता है, राइट, काफी डिप्रेसिव फॉर्म में रहते हैं, राइट, बिकॉज ही इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज ट्रू सेल्फ, हिज लेबर डज नॉट बिलोंग टू हिम एनी मोर, राइट। और दिस इज, ये मैंने आपको एक इंडियन एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की, राइट। अगर आपने काफ्का की बुक्स पढ़ी और काफ्का के वर्क्स पढ़े हो, तो उनके वर्क्स में ही पूरा जो एलियनेशन वाली जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब होती है, राइट। सी दिस इज वट द इंट्रोडक्शन, लेबर, वट इज एलियनेशन and the link between labor, human nature and alienation, right? अब हम next lecture में will be talking about alienation in the capitalist society, alienation from self, alienation from process of production, alienation from productive activity, or alienation from the final product of human labor, right? The final commodity of labor, and the alienation from society, alienation from, because here सोसाइटी पे ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी, ये वाला जो लिंक है ये भी ब्रोक हो जाए, राइट। एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, एलिनेशन फ्रॉम नेचर और एलिनेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, राइट। सो दीज वेरियस फैसेट विल बी टेकिंग अ लुक इनटू द नेक्स्ट लेक्चर।